नोटबंदी से निपट रहे देश में लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए सरकार नियमों में बदलाव कर रही है, लेकिन शादी विवाह के लिए 2.5 लाख निकाले जाने की छूट को जारी रखते हुए सरकार ने इसे निकालने की प्रक्रिया को कुछ और कानूनों से बांध दिया है। नोटबंदी के मुश्किल दिन और शादी का सीजन साथ साथ है। सरकार ने शादी वाले घर को 2.5 लाख की राहत तो दी है, लेकिन अब राहत पर नए कानूनों की आफत है। सरकार ने शादी के नाम पर 2.5 लाख रुपए की निकासी का नियम और मुश्किल कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक तो जिन लोगों के घरों में शादी है, दरअसल उनके घर में नोटबंदी का क्या कुछ असर होगा, क्योंकि अब RBI ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। जिनके घरों में शादी है वो 2.5 लाख रुपए निकाल तो सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। दरअसल अगर आपके बैंक अकाउंट में 8 नवंबर से पहले पैसे जमा किए गए थे तभी आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। अकाउंट में जमा पैसे आप निकाल पाएंगे अगर एडवांस पेमेंट की रसीद आप दिखाते हैं। एडवांस पेमेंट आपने उन लोगों को किया होगा जो इस शादी से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि चाहे वो केटरिंग वाले हों, हलवाई हों, हॉल बुकिंग हो। लेकिन अगर इन लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है तब आपको एक हलफनामा भी देना होगा। ये बताना होगा कि आखिरकार आपने कितना पेमेंट किसको दिया है और उसकी रसीद भी दिखानी होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 30 दिसंबर से पहले ही अगर आपकी शादी है तब आपके ऊपर ये नियम लागू होते हैं, यानी कि तभी आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। वर वधू दोनों पक्ष 2.5 लाख निकाल सकते हैं। किसी एक के ही अकाउंट से ये 2.5 लाख निकाले जा सकते हैं दोनों पक्षों की ओर से। यानी कि अगर आपके घर में शादी है तो हो सकता है ये नए नियम आपके लिए राहत हो सकती है या फिर मुश्किल का सबब भी बन सकती है। तमाम बैंक से यहाँ पर सुबह से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनकी बहन की शादी है, उनसे बात करते हैं। उनके पास कार्ड मौजूद है। ये दरअसल सोनम और प्रवीण के बीच शादी है और ये शादी शेड्यूल्ड है 12 दिसंबर की, लेकिन इनको कैश के लिए दिक्कतें आ रही है। भैया अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम देशराज है। मैं सैटरडे को भी कॉरपोरेशन बैंक का, हमारे फादर दिल्ली जल बोर्ड से रिटायर हैं, सैटरडे को भी गए थे तो सैटरडे को वो लोग कह रहे कैश खत्म हो गया है। फिर मंडे को बुलाया, मंडे हम सुबह 7 बजे से लगे हुए शाम को 4 बजे तक मैं बैंक में थे। वो कह रहे हमारे पास अभी तक कोई हेड ऑफिस से अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल आएगा तो आपको कैश मिल जाएगा, नहीं तो उन्होंने हमें कल भी कागज के साथ ले रिटायर।